बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। कल हमने द सिल्वर लाइनिंग के कम्प्रिहेंशन पार्ट ए के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज हम इसके नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। मिस्टर हद सेड अपोलोजेटिकली, आई एम सॉरी मिस्टर नदीम, व्हाई वाज ही सॉरी, गिव मोर देन वन रीज़न। मिस्टर अहद ने माजरत खाना अंदाज में उनसे कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ मिस्टर नदीम। उन्होंने माजरत क्यों चाहे, एक से ज़्यादा वजूहत बयान करें। मिस्टर अहद वाज सॉरी, मिस्टर अहद माजरत ख्वाह थे, बिकॉज महीन हैड नॉट गोन टू मिस्टर नदीम व्हेन ही कॉल्ड हर। जब मिस्टर नदीम ने माहीन को बुलाया तब उनके पास नहीं गई। इट वॉज ऑल्सो, उन्होंने माजरत इसलिए भी चाही, बिकॉज ऑफ द ऑकवर्डनेस ऑफ द सिचुएशन दैट ही फेल्ट सॉरी, कि वो एक अजीब सिचुएशन, एक अजीब सा मंजर एक क्रिएट हुआ और इसके लिए वो माजरत ख्वाह थे। Why do you think the Ahads agreed after some trepidation to try out the author's suggestion of a way to deal with the questions of visitors? विजिटर्स के सवालों से बचने के लिए जो ऑथर ने सजेशन दिया वो मिस्टर अहद फैमिली उसको मानने में क्यों हिचकिचा रही थी। They were concerned because if the plan did not work, it might cause Maheen further anguish. वो इस बारे में concerned इसलिए थे कि अगर ये काम प्लान काम नहीं करता, कामयाब नहीं होता, तो माहीन मजीद अजीब में मुबला हो सकती है। Comment on the italicized words in the following. जो वर्ड इटालिसाइज हैं, जैसे took me in a hand, इनको आपने डिस्कस करना है कि ये सेंटेंस में क्या है इनका मीनिंग। मिस राहत, द लैंडलेडी took me in hand the moment I arrived. मिसिस अहद, द लैंडलेडी, अब हम इस वर्ड को चेंज करने लगे हैं तो इसका मतलब होता है किसी की देखभाल करना। लुकड आफ्टर मी द मोमेंट आई अराइव्ड। देखिए, हमने किसी इस सेंटेंस में बाकी वर्ड्स को हमने चेंज नहीं किया, सिर्फ इटैलिसाइज वर्ड को चेंज करके किस जगह पे उनके मीनिंग सेम मीनिंग के वर्ड ऐड किए हैं। आई कुडंट हेल्प स्माइलिंग, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम स्माइलिंग, यानी कि जब आप बेख्तियार हंसते हैं तो मैं अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाया। And at the very first meeting or soon afterwards, they would run into the child. यहाँ पे run into की जगह पे and at the very first meeting or soon afterward, they would come across, इनके हमें दो वर्ड यूज कर सकते हैं, come across के meet the child. He shouldn't have ignored our request like this. उसे हमारी request इस तरह नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए थी। The landlord put in more mildly. तो हम अभी ने पुटिन का मतलब होता है इंटरप्ट करना, किसी चीज़ में दखल अंदाजी करना, दाखिल होना। ही शुडंट हैव इग्नोर्ड अवर रिक्वेस्ट लाइक दिस, द लैंडलॉर्ड इंटरप्टेड मोर माइल्डली। इट टुक अस टाइम टू डाइजेस्ट द न्यूज, तो यहाँ पे इट टुक अस टाइम टू अंडरस्टैंड या टेक इन द न्यूज, यानी कि इस खबर को समझने में, हजम करने में हमें टाइम लगेगा। एंड देन Both parents broke into incoherent statements of profuse apologies. तो यहाँ पर हमने ब्रोक इंटू को हमने स्टार्टेड अब्रप्टली या स्पीकिंग के साथ चेंज कर देंगे। शी ऑलमोस्ट ब्रोक डाउन विद ग्रेटिट्यूड, शी ऑलमोस्ट बिकम वेरी इमोशनल विद ग्रेटिट्यूड। इनकी ब्रोक डाउन होता है जब आप जज्बात से, जैसे जज्बात से इंसान भर जाता है, तो उस वक्त जो आपकी सिचुएशन होती है जज्बात से भरा हुआ। She almost became very emotional with gratitude. वो शुक्रगुजारी के एहसास के साथ बहुत जज्बाती हो गई थी। तो स्टूडेंट्स, आप इनको याद करें और इसके बाद इसे अपनी नीट कॉपी पर लिखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।